This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के लेक्चर नंबर 29 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो अभी तक सिखाया समझाया वह बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है, और टाइम टू टाइम जैसे हम अपने इस बैच के अख्ताम की तरफ आ रहे हैं, तमाम लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए होते जा रहे हैं कि ये जो अब आप लोगों को स्किल्स सिखाई जा रही हैं, ये एक्सपर्ट लेवल की स्किल्स हैं। क्योंकि जो लास्ट 3 मंथ्स में आप लोगों को डिटेल में सिखाता आया, उसका मकसद ये था कि आप लोग साथ साथ अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सको, ठीक है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली हुई है। और जिन्होंने नहीं स्टार्ट की तो अभी देर नहीं हुई, जो नेक्स्ट बैचेस होते हैं उनमें भी आपको फ्री में इनरोल किया जाता है, उसके कोई इजाफी यानी कि एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं होते। लास्ट टाइम आप लोगों को गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में मैं बता रहा था कि गूगल वेब मास्टर टूल को आपने अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली यूज करना है। सबसे पहले तो इसमें आपने साइट मैप ऐड किया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइट मैप ऐड किए बगैर हमारे नए पेजेस इंडेक्स नहीं होते, और जब तक इंडेक्स नहीं होते उनकी रैंकिंग, उनके ट्रैफिक, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये पार्ट था जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लेक्चर एंड किया था और बताया था कि इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। बेसिकली जो हम ऑफ पेज SEO करते हैं, जो हम बैकलिंक्स बनाते हैं, जो हम रैंकिंग के लिए बेसिकली काम करते हैं, वो ये टॉप के जो जिन पेजेस को सबसे ज्यादा लिंक्स मिले हैं मेरी इस वेबसाइट को, वो मेरा होम पेज है, देन ये वाला पेज है कॉन्टेस्ट का, देन हाउ टू अर्न 3000 फ्रॉम अ गेम वेबसाइट इजीली ये वाला है। इस तरह से मुख्तलिफ जो पेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिंक्ड ज़्यादा है, वो ये यहाँ पर शो कर रहा है। जो साइट्स हैं जिन्होंने मुझे लिंक दिया हुआ है वो ये हैं, टॉप की साइटें जो हैं, ठीक है। एंकर टेक्स्ट जो मेरी वेबसाइट की तरफ आया, जो कि मैंने आप लोगों को भी समझाया था, वो ये है, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके अलावा टॉप लिंक पेजेज जो इंटरनली लिंक हुए हैं वो ये पेजेस हैं। इंटरनल लिंकिंग के बारे में आज आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि इंटरनल लिंकिंग बेसिकली है क्या, वो आप लोगों को आज के लेक्चर में डिटेल में सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि हाँ जी, ये जो मैंने ऑफ पेज SEO में आप लोगों से पूछा था, के जो बेस बैकलिंक्स हैं उनकी वेबसाइट है और जो अथॉरिटी बैकलिंक्स हैं उनकी साइटें किसने किसने फाइंड की हैं, जी हाँ जी, उन्हीं साइटों के बारे में पूछो, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, असल में वो असाइनमेंट मैंने इसलिए दी ताकि आप लोग खुद से, हाँ जी, खुद से जो है वो बेस बैकलिंक्स और अथॉरिटी बैकलिंक्स के लिए साइटें ढूंढ सको। और फिर मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया था
गेस्ट पोस्टिंग या पीपीएन की डोमेन फाइंड करने के लिए वो किसने किसने असाइनमेंट बना लिए। जी ठीक है, ठीक हो गया, क्योंकि साथ साथ जो बेसिकली प्रैक्टिस करते हो उससे ये होता है कि वो फिर काम आपको भूलता नहीं है, काम फिर आपको याद रह जाता है। और डेफिनेटली आप लोग जैसे जैसे साइट अपनी बना के आगे चल रहे हो, आप लोगों को इन कामों की जरूरत थी, इन इन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने की बेसिकली जरूरत थी जो आप लोग कर रहे हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा तो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी वेबसाइट की तरफ से लिंक आ रहे हैं। imfaizan.com जो ऑफिशियल जो वेबसाइट का बेसिकली होम पेज है उसकी तरफ इन साइटों से लिंक मिल रहा है। ये जो साइटें हैं, ये साइट है, इस पे मुख्तलिफ साइटों का जो यानी कि सेम साइट है वहां से मुझे लिंक मिल रहा है, यानी कि ये साइट लाइक डॉट ओ आर जी साइट है, यहाँ से मुझे इस अपने होम पेज की तरफ मुझे लिंक मिल रहा है। ये मैंने जब चेक करना है कि गूगल किन लिंक्स की बेसिस पे मेरी वेबसाइट को रैंकिंग दे रहा है, वो ये हैं जी टॉप लिंक पेजेस, ठीक है, टॉप लिंकिंग साइट्स और टॉप लिंक पेजेस, ठीक है। इनको आपने टाइम टू टाइम देखते रहना है कि आपकी वेबसाइट की तरफ कहाँ कहाँ से लिंक्स बन के आ रहे हैं। और जब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ काम की, कि जब हमने अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर काम करना होता है तो सबसे पहले जो चीज़ आपने हैंड ओवर करना होती है अपने, वो होता है गूगल वेब मास्टर टूल। वो कैसे आपने हैंड ओवर करना है, आप इसको जब ऑथोराइज करवाओगे उस क्लाइंट की वेबसाइट को अपने गूगल वेब मास्टर टूल में, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिस्ट में आएगी, वो आप वेबसाइट पे जाके फाइल मैनेजर में जाके फाइल अपलोड कर दोगे, तो हम वो जो वेबसाइट होगी कस्टमर की क्लाइंट की जिसके आप एसईओ करने जा रहे हो, वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएगी, लिस्ट में आ जाएगी। उसके बाद आप एक्सटर्नल लिंक्स उसके चेक करोगे, सारे लिंक कितने साइटों से लिंक मिल रहा है, किस एंकर टेक्स्ट की बेस पे लिंक मिल रहा है, सारा आप उसको चटा खोलोगे, आपको 2-3 दिन लग जाएंगे वेबसाइट को कंप्लीट एनालाइज करने में जो आप क्लाइंट की वेबसाइट पे एसईओ करने जा रहे हो। जब आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर पहले एसईओ यानी कि व्हाइट हैट एसईओ की गई है या ब्लैक हैट एसईओ की गई है, जब सारा आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2-3 दिन लगा के, देन आप उसको रेट दोगे, प्राइस दोगे। अगर उस पर व्हाइट हैट एसईओ हुआ है तो आप उसको नॉर्मल प्राइस दोगे, अगर ब्लैक हैट एसईओ हुआ है तो पहले सारे बैड बैक लिंक्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, ठीक है। उसका भी आज का हमारा बेसिकली लेक्चर है जिस है वो इसको बोलेंगे हम वेबसाइट रिकवरी। आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वेबसाइट रिकवरी। तो बेसिकली क्या है कि गूगल वेबमास्टर टूल यानी कि जो हमारा हमारी वेबसाइट का और गूगल का जो सेंटर पॉइंट है वो गूगल वेब मास्टर टूल है। गूगल वेब मास्टर टूल को कंप्लीट आप लोगों ने समझना है। ये सारे लिंक्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली, या वन बाय वन भी आप सेक्शन में जाके वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो उनको। यहाँ से आप सारा जो एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई लिंक हमने रिमूव करवाना है तो यहाँ से हम न्यू रिक्वेस्ट करके वो लिंक रिमूव करवा सकते हैं। हमें इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं होती। ये जस्ट बहुत हाई लेवल पे जब साइटें होती हैं, बहुत बड़ी साइटें होती हैं, जब उसमें कोई कंटेंट में मसला आ गया, हमारे राइटर ने किसी का डाटा कॉपी कर लिया, तो वो जो जो पेज है उसको अगर हम अपडेट नहीं करवा सक रहे या गूगल ने उस पर कोई उसकी वजह से कोई इश्यू क्रिएट कर दिया, तो वो हम यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट में जाके वो लिंक हम अपनी वेबसाइट का रिमूव करवा देंगे, ठीक है। तब ये चीजें यूज की जाती हैं, अदरवाइज इनको आपने छेड़ना भी नहीं। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक फुल ऑप्शन गाड़ी है, आप सारे ऑप्शन हर वक्त नहीं यूज करोगे, आप ऑप्शन को तब यूज करोगे जब आपको जरूरत होगी, अदरवाइज गाड़ी में कोई ना कोई मसला आ सकता है। इसी तरह से ये हमारी जो हमारा जो टूल है वेब मास्टर टूल है, इसको आपने तमाम ऑप्शन को आपको जरूरत नहीं है हर वक्त यूज करने की, बस आपने इसको डेली बेसिस पे जरूर देखना है। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से कीवर्ड से यूजर आ रहा है, और फिर उस कीवर्ड को और उस पेज को हम फिर मजीद ऑप्टिमाइज करेंगे, उससे हमें ये फायदा होगा कि वो फिर मजीद रैंकिंग में वो पेज आने लग जाएगा। तो ये बेसिकली गूगल वेब मास्टर टूल को हम अपनी वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को
पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। एक तो ये टूल हो गया, एक और टूल है जी smrush.com। smrush.com जो टूल है, इसमें आप क्या करोगे, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से कीवर्ड पे पहले काम करना है। तो पहले तो आप बात है, फॉर एग्जाम्पल आपने 40 कीवर्ड निकाले अपने गूगल एडसेंस की वेबसाइट में, आपने फॉर एग्जाम्पल 5 कीवर्ड निकाले क्लिकबैंक की असाइनमेंट में, आपने फॉर एग्जाम्पल 3 कीवर्ड निकाले अमेज़न की असाइनमेंट में, ठीक है। तो आपने ये काम तो आप करते गए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम एडसेंस की बात करते हैं, आपने 40 जो कीवर्ड थे आपके, जो आपने विनिंग कीवर्ड थे उन पे हर कीवर्ड पे एक एक आपने आर्टिकल लिखवा लिया और अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दिया। 40 जब पूरे हो गए, अब आपने उनपे ऑन पेज एसईओ तो आपने करते हुए सारे पब्लिश किए ना, अब आपने उनको सोशल मीडिया पे शेयर करना है। सोशल मीडिया मीडिया पे जब आप शेयर करोगे तो हफ्ता 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके 40 में से 5, 10, 15, 20 आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 200-300 ट्रैफिक आने लग जाती है, फिर जो ट्रैफिक आएगी वो किसी ना किसी कीवर्ड्स की रैंकिंग की वजह से आ रही होगी, ठीक है। जब आप 40 आर्टिकल पब्लिश करोगे तो ये मैं बहुत थोड़े थोड़ी बात बता रहा हूँ, आपको ज्यादा ट्रैफिक आ रही होगी, ठीक है। और आपका राइटर बेहतरीन होना चाहिए, राइटर जो है प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई थर्ड क्लास राइटर नहीं होना चाहिए जो कॉपीड कॉन्टेंट आपको उठा दे, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड पे पहले काम करना है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैं imfaizan.com को देखता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 17 कीवर्ड रैंक करें, एग्जांपल है, ठीक है। मैं क्योंकि इस पर एसईओ नहीं करता, ये एक जनरल एक पब्लिक के लिए वेबसाइट है जिस पे मैं कंटेंट पब्लिश करता हूँ, जस्ट इसको मैं उस तरह से नहीं देख रहा। या फॉर एग्जांपल ये मेरे मेरी मेरा कीवर्ड रैंक कर रहा है imfaizan.com एडसेंस ऑन शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। अच्छा, ये इसका वॉल्यूम है 30, मुझे ज्यादा वॉल्यूम वाले पहले तो कीवर्ड्स निकालने हैं। आप इसको प्रो वर्जन जब यूज करोगे तो ज्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड निकालोगे जिनके जिनकी सर्चिज ज्यादा है, वॉल्यूम से ज्यादा सर्चिज, ठीक है। जिनकी सर्चिज ज्यादा है वो वाले कीवर्ड, और देखूंगा कि वो जो मेरी वेबसाइट का जो कीवर्ड मेरे किस पेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से पेज नोट कर लेना है, कीवर्ड नोट कर लेना है, उस पेज को मैं ज्यादा ऑप्टिमाइज करूंगा उसकी पोजीशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए। उसका कंटेंट अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 1000 वर्ड का था, मैं 1500-2000 वर्ड का उसका कंटेंट अपडेट करवाऊंगा, उसकी तरफ मजीद सोशल सिग्नल दूंगा, यानी कि सोशल मीडिया पे शेयर ज्यादा करवाऊंगा या करूंगा, ठीक है, और उसकी तरफ बैकलिंक्स मजीद बढ़ाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, वो मजीद रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। जब मजीद रैंकिंग में आएगा तो मुझे ट्रैफिक, क्योंकि उसकी ऑलरेडी ट्रैफिक उसकी कीवर्ड की सर्चिस ज्यादा होंगी, तो मैं उन्हीं कीवर्ड्स को पहले टारगेट करूंगा ताकि मेरी वेबसाइट मजीद रैंकिंग में आना शुरू हो जाए, वो वाला पेज आना शुरू हो जाए जिसको गूगल ने पहले जो है वो अपने सर्च रिजल्ट्स में लेकर आया है, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जो है स्ट्रेटेजी आपने साथ साथ इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आप अपनी जो वेबसाइट है या आपके फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट की वेबसाइट है जिसपे आप स्टार्ट से काम कर रहे हो उसकी रैंकिंग में मजीद इजाफा हो सके, ठीक हो गया। ये जी वेबसाइट को, वेबसाइट के वो हिडन कीवर्ड्स निकालना जिनके ऊपर हमें स्टार्ट में काम करना चाहिए, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, वेबसाइट रिकवरी वाला, आज का हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है वेबसाइट रिकवरी। वेबसाइट रिकवरी से क्या होता है,
वेबसाइट रिकवरी से क्या मुराद है बेसिकली? वेबसाइट रिकवरी से मुराद है कि कोई वेबसाइट जो बड़ा अच्छा रैंक कर रही थी, उसके बाद सडन उसमें उसकी ट्रैफिक में डिक्लाइन आया, उसकी वेबसाइट वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो किसी तरीके से डाउन हो गई, या उसकी ट्रैफिक जो थी एक्चुअली वो खत्म हो गई या कम हो गई। तो पहले ट्रैफिक आ रही थी फॉर एग्जाम्पल 10,000 डेली की, तो एकदम से 1,000, 500, 300 पे आ गई। जब इस तरह की सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं कि अब हमें वेबसाइट की रिकवरी की जरूरत है, उसके उन पोर्शन को फाइंड करने की जरूरत है बेसिकली, कि हमारी वेबसाइट के जो इश्यूज हैं उनसे हम बाहर निकल सकें। उसके लिए गूगल की बेसिकली अपडेट्स को समझना, पेनल्टीज को समझना और फिल्टर को समझना बहुत जरूरी है कि होते क्या है। गूगल का बेसिकली फिल्टर क्या होता है कि गूगल का फिल्टर तब एक्टिवेट हो जाता है कि जब हम अपनी अपने जो वेबसाइट है उस पर जो आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं उसमें कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है। बार बार कीवर्ड को यूज करने से ओवर ऑप्टिमाइजेशन होती है। एक एक आप कह लो कि फॉर एग्जाम्पल 700 वर्ड्स का आर्टिकल है या 1,000 वर्ड्स का आर्टिकल है, उसमें नेचुरल वे में 2 से 3 दफा हमारा मेन कीवर्ड जो फोकस कीवर्ड होता है वो आ जाए तो वो बेहतर है। अगर उससे ज्यादा आने लग जाए तो वो फिर कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। उससे क्या नुकसान होता है? एल्गोरिथम पनिशमेंट हमें हमारी वेबसाइट को बेसिकली लग सकती है, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी होती है कि कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल करना कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं उसको। पहले हम एक हमने फार्मूला बनाया था 2014 तक कि हमने 2% से ज्यादा नहीं करना, मगर अब वो फार्मूला कीवर्ड डेंसिटी का हम यूज नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारे आर्टिकल में फॉर एग्जाम्पल 1,000 वर्ड्स का आर्टिकल है, उसमें 1 से 2 दफा 3 दफा नेचुरल वे में जब हमारा मेन कीवर्ड यूज हो जाता है दैट इज एनफ। बट बार बार यूज करना वो हमारे आर्टिकल को खराब करता है, वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होता। उसको एसईओ ऑप्टिमाइज ऐसे आर्टिकल को बेसिकली बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया था दोबारा रिपीट करो, कि जिसमें यूजर की एंगेजमेंट ली जाए और टॉपिक के ऊपर बात कीजिए, ये ना कि इधर उधर की बातें करना शुरू कर दें। हमने LSI कीवर्ड यूज करवाने हैं, राइटर को इन चीजों का पता होता है, जो एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने वाला राइटर जो होता है चाहिए। लिंक ग्रोथ टू फास्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफ पेज एसईओ सीखा, अब आपको पता चल गया जी बैक लिंक्स की वजह से वेबसाइट रैंक होती है। अब आपने क्या किया हफ्ता 10 दिन के अंदर बैठ के? वेबसाइट का रगड़ा ही निकाल दिया, उसको इतनी जगह पे लिंक लगा दिया कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल ने उसको पेनल्टी लगा देनी है। तो इस तरह भी नहीं करना। अनयूजुअल सॉरी अननेचुरल लिंक प्रोफाइल, अननेचुरल लिंक प्रोफाइल से मुराद है ऐसी साइटों से आपने लिंक बना दिया जो कि स्पैमी साइट्स थी। जैसे कि मैं मना करता होता हूँ कि कमेंट्स बैक लिंक ऐसी साइटों पर कमेंट नहीं करना, एक तो जो इररिलेवेंट साइटें हों, दूसरा वहां पर पहले ही बहुत सारे कमेंट आए हों, ऐसी जगह पर लिंक नहीं बनाना। अननेचुरल मैट्रिक्स इन लिंक प्रोफाइल, अननेचुरल मैट्रिक्स से मुराद बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने फोरम ऐसे फोरम पे लिंक बना दिया जो फोरम आपके टॉपिक से रिलेटेड था ही नहीं, या आपने किसी के कहने पे ऐसी साइटों पे लिंक लगाना शुरू कर दिया और ऐसे आर्टिकल यूज करके, यानी कि ब्लैक हैट टूल, आर्टिकल फ्रोज और इस तरह के टूल जो है वहां से डुप्लीकेट या स्पिन आर्टिकल उठा के वो यूज करना शुरू कर दिया। और जो है यानी कि आपने कोई तरतीब नहीं बनाई, आपने जिसका आर्टिकल पढ़ा इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी बैक लिंक की, आपने उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। इस तरह नहीं करना, ठीक है। अननेचुरल मैट्रिक इन प्रोफाइल यही था मैंने आपको जैसे बताया। डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट की जब मैं बात करता हूँ काफी लोगों को इसकी समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि हमें जो है वो आर्टिकल $40 में एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो आर्टिकल्स हमें मुख्तलिफ जगह से स्क्रैप करके एक यूनिक आर्टिकल बना कर दे देता है। लोग कहते हैं जी हमारे पैसे भी ना लगे और हमारी वेबसाइट भी टका के जबरदस्त तरीके से रैंक होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता, पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, कारोबार है, कारोबार पैसे मांगता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट कंटेंट से मुराद ये होता है कि आप किसी और का जब आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करोगे तो वो डुप्लीकेट कहलाता है। अब गूगल कहता है कि हर बंदा अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो आर्टिकल पब्लिश करे वो यूनिक हो। राइटर ने आपको यूनिक आर्टिकल दिया हो, राइटर ने किसी का कॉपीड कंटेंट आपको ना दिया हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका गूगल फिल्टर जब अप्लाई होता है तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारी वेबसाइट 50वें नंबर पे नजर आ रही थी, यानी कि 5वें पेज पे थी फॉर एग्जाम्पल, 50वें नंबर पे थी, तो 950 पे चली जाएगी सर्च रिजल्ट में, क्योंकि गायब हो जाएगी, ठीक है। थोड़े या बिल्कुल ही यूजर खत्म हो जाएगा, इसका
नुकसान बेसिकली ये होता है। गूगल मैनुअल पेनल्टी क्या होती है, वायलेशन ऑफ गूगल्स पॉलिसी वेब मास्टर गाइडलाइन। गूगल वेब मास्टर गाइडलाइन आप लोगों ने जरूर पढ़ना है इसका, गूगल वेब मास्टर। गूगल वेब मास्टर गाइड वेब मास्टर गाइडलाइन को आप लोगों ने जरूर पढ़ना है, गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस। अच्छा, इसको क्यों पढ़ना है आपको पता चलेगा कि कैसे गूगल आपके पेजेस को फाइंड करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, क्यों रैंकिंग देता है, किन चीजों से आपने बचना है, क्लॉकिंग नहीं करनी, धोखा नहीं देना, स्क्रैप कंटेंट यानी डुप्लीकेट कंटेंट नहीं करना, डोरवे पेजेस, छुपे हुए पेजेस, फ्रेमिंग वाले पेजेस, ये सारी चीजें आपने इररिलेवेंट कीवर्ड यूज नहीं करने, आपने दो नंबर ही नहीं करनी। गूगल दो नंबर ही से निकालने के लिए आपको बताता है, कहता है कि वेब मास्टर गाइडलाइन को समझो, सीखो, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने बेसिकली देखना है। अच्छा, मैनुअल पनिशमेंट बाय गूगल एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कंप्लेन कर दी आपकी वेबसाइट की, आपके कंपेटिटर ने, कि भाई ये जो है जो आई फ्रेमिंग कर रहा है या इस तरह से इररिलेवेंट, ये कोई वायलेटेड कंटेंट पे काम कर रहा है, तो वो गूगल एम्प्लॉइज जब खुद जांच पड़ताल करेंगे और उनको वाकई नजर आ गया, तो वो फिर पेनल्टी का फिर लेवल होगा, पेनल्टी लगेगी उसका फिर लेवल होगा। कीवर्ड लेवल पे भी पेनल्टी लग सकती है, यानी कि उस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट को उड़ा दें, खत्म कर दें, रिमूव कर दें, यूआरएल उड़ा दें, या डायरेक्ट लेवल पे पेनल्टी लगा दें, होस्ट लेवल पे भी पेनल्टी लग सकती है, डोमेन लेवल पे भी पेनल्टी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर रिजल्ट का हम नहीं कह सकते कि पे अब रिजल्ट उसका क्या होगा। रिसीविंग मैसेजेस इन गूगल वेब मास्टर टूल, जो गूगल वेब मास्टर टूल है वहां पर आपको मैसेज में आने लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कोई ना कोई पेनल्टी लग गई। इसका नुकसान ये होगा कि थोड़े यूजर या सारे यूजर आना बंद हो जाएंगे। गूगल मैनुअल पेनल्टी अननेचुरल लिंक वार्निंग। गूगल की मैनुअल पेनल्टी और अननेचुरल लिंक वार्निंग में बेसिकली फर्क क्या है। वायलेशन ऑफ गूगल पॉलिसी, जैसे कि पहले वेब मास्टर गाइडलाइन बताया मैंने, उसके खिलाफ कोई काम किया तो वो गूगल पॉलिसी के अगेंस्ट आपने काम किया। अननेचुरल लिंक पॉइंट्स टू योर वेबसाइट। बाज़ुकत हमारे कंपेटिटर्स भी हमारी वेबसाइट की तरफ लिंक बनाने शुरू हो जाते हैं। पहले ये होता था, पहले वाले बैचेस में मैं सिखाता होता था कि आपने डिसेबल करवाना है, यानी कि लिंक को रिमूव करवाना है। गूगल का एक डिसेबल टूल है, ठीक है, इसके जरिए हम लोग अपने जो हमारे कंपेटिटर्स हमारी वेबसाइट की तरफ हमारी वेबसाइट की तरफ जो लिंक बनाया करते थे उसको हम रिमूव करवाया करते थे, ठीक है। अच्छा, ये 19 जनवरी 19 2021 से वैसे ही खत्म होने वाला है, ठीक है। गूगल ने क्या करने लगा है, ये वाला ऑप्शन उसने कहा है चूज करने। और वैसे भी गूगल नेक्स्ट टाइम, गूगल ने अनाउंसमेंट किया है कि नेक्स्ट टाइम वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा लिंक आपकी वेबसाइट के लिए हार्मफुल है। हमने क्या करना है, हमने गूगल वेब मास्टर टूल्स, एसएमरश, पीएचरेफ्स, मोज, मैजेस्टिक, इन सब टूल से ना, इन पांचों जगहों से हमने अपनी वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट की तरफ जो लिंक्स आ रहे हैं ना, बैक लिंक्स आ रहे हैं, उनको डाउनलोड कर लेना है, उनको वन बाय वन चेक करना है। जो लिंक, जो साइट हमें स्पैमी, फिशी और जो अजीब सी साइट लगेगी ना, यानी कि जो हार्मफुल साइट नजर आ रही होगी, उसको हम गूगल यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल अपनी वेबसाइट को चूज करेंगे और आगे उस अपलोड कर लेंगे। वो फाइल हमने एक बना लेनी है ऐसे,
और उस फाइल में ऐसे लिख लेना है, जी yahoo.com, ठीक है, डोमेन क्योंकि pda.org, इस तरह से हमने एक फाइल बना लेनी है और उस फाइल में हमने तमाम उन साइटों को लिस्ट डाउन कर देना है जो फिशी, जो स्पैमी साइटें, फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि याहू और बड़ी बड़ी साइटों को वहां पर लिस्ट कर देना है, उन साइटों को आपने बेसिकली वहां पर लिस्ट डाउन करना है जो साइटें आपको स्पैमी लग रही है, आपको लग रहा है कि वहां से आपने बैकलिंक नहीं बनाया था, ठीक है। उसके बाद उन वो जो फाइल आपने हमने बनाई होगी उसको यहाँ अपलोड करवा देंगे, तो क्या होगा कि गूगल के पास जो है वो एक तरह से नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इन वेबसाइटों की अहमियत खत्म कर दे, तो वो जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हुई होगी, जो हमारी वेबसाइट को मसला आया होगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा टाइम। अब जैसे हम ये डिसेबल करवाएंगे ना, उसके फौरन बाद हमने नए लिंक्स बनाना शुरू कर देना है, ठीक है, ताकि जैसे जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कभी ब्लड देते हैं, खून देते हैं, तो उसके बाद फिर कहा जाता है कि अब आपने ऐसी चीजें खानी पीनी है जिससे दोबारा ब्लड बने, ठीक है, तो ये बेसिकली वही वाला सर्कुलेशन है। अच्छा, नुकसान क्या होता है कि अगर हम रिमूव नहीं करवाते, थोड़ा यूजर आ रहा होता है या बिल्कुल यूजर आना बंद हो जाता है अगर हम ये काम नहीं करते, डिसेबल नहीं करवाते। गूगल अपडेट क्या है, एल्गोरिथमिक अपडेट क्या होती है, अपडेट ऑफ द एल्गोरिथम, मुख्तलिफ एल्गोरिथम गूगल के आते रहते हैं, गूगल अपडेट्स अपनी पहले महीनों में चलाता था, फिर हफ्तों में चलाता था, अब डेली बेसिस पे गूगल की अपडेट चलती जा रही होती है। गूगल की जो अपडेट होती है या वो ऑन पेज की तरफ होती है या वो ऑफ पेज की तरफ होती है, ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स में से एक की तरफ होती है। गूगल की अभी तक की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो जिनका आपको पता होना जरूरी है, वो पांडा, पेंगुइन एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी अपडेट्स, नेचुरल लिंक लर्निंग, बरफसिस, पेंगुइन अपडेट, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगा कि क्या इनमें फर्क क्या होता है, कैसे आपने इनको समझना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।